नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको प्रगतिशील भारत में हो रहे विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, एवं अयोध्या पर हमने पहले भी आपको कई जानकारी दिए हैं जिन्हें की आपने सराहा है। इसी क्रम में आज हम आपको अयोध्या के पहले नवीन मल्टी लेवल पार्किंग की जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कि आप जानेंगे अयोध्या में कहां पर बन रहा है यह मल्टी लेवल पार्किंग, अयोध्या के पहले मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट के निर्माण की लागत क्या है, कितने वाहनों को पार्क करने की होगी क्षमता तथा और कितने मल्टी लेवल पार्किंग बनने हैं अयोध्या में और उनके स्थान क्या हैं। तो मित्रों, अयोध्या के विकास के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल अर्थात अयोध्या जी की पावन धरा पर वर्तमान समय में भगवान श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर के निर्माण का विशेष कार्य हो रहा है, जिसकी जानकारी हम आपको देते रहते हैं एवं यहां आने वाले सभी पर्यटकों व श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अयोध्या में कई आधारभूत संरचनाओं का विकास हो रहा है, जिसमें कि नगर के सड़क तंत्र व राम मंदिर मार्ग चौड़ीकरण के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी कार्य संचालित है तथा रेलवे स्टेशन के नवीन परिसर का उद्घाटन शीघ्र ही होने वाला है। बता दें कि अयोध्या जी की पावनता, पवित्रता व भव्यता को दुनिया देखे, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार तथा यूपी की योगी सरकार कई कार्य कर रही है। अयोध्या का संपूर्ण विकास कैसा हो, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया गया है। इसी क्रम में अयोध्या का पहला मल्टी लेवल पार्किंग भी अब बन करके तैयार है। आइए इस प्रोजेक्ट की जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि इस मल्टी लेवल पार्किंग को लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके स्थान विशेष अर्थात लोकेशन की जानकारी दें तो आपको बता दें कि पार्किंग अयोध्या के पूर्व दिशा में नगर में प्रवेश करने के ठीक पहले रामघाट क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित है तथा कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आपको हम मुख्य हाईवे के दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको समझने में और सरलता हो। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट के अंतर्गत ही गोरखपुर लखनऊ नेशनल हाईवे से लगकर यह बन रहा है तथा इस मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण कार्य लगभग 95% पूर्ण हो चुका है और कभी भी उद्घाटन किया जा सकता है। आपको एक्सक्लूसिवली हम इस 2 मंजिला पार्किंग प्रोजेक्ट के ऊपरी तल के भी भीतरी दृश्य दिखा रहे हैं। बता दें कि इस कार पार्किंग का निर्माण इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि अयोध्या आने वाले दर्शनार्थियों को 4 पहिया वाहन लेकर के अंदर ना जाना पड़े और वह पार्किंग में अपनी कार खड़ी कर सपरिवार रामनगरी के अलौकिक अछूत आभा मंडल को समीप से आत्मसात कर सकें। इस 2 मंजिला मल्टी लेवल कार पार्किंग प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि इसमें एक साथ 84 कारें खड़ी की जा सकेंगी तथा कारों की शिफ्टिंग के लिए यहां मैकेनिकल लिफ्ट की व्यवस्था है। कारों को लिफ्ट कर रिक्त स्थान के अनुसार शिफ्ट किया जा सकेगा। बता दें कि पार्किंग के चारों ओर घुमावदार 6 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण भी किया जाना है, जिसकी लंबाई 288 मीटर होगी। मल्टी लेवल पार्किंग में प्रवेश व निकासी का मार्ग अलग अलग बनाया जाएगा। इसके लिए 2 प्रवेश मार्ग और 2 निकासी मार्ग होंगे। इस पार्किंग को बनाने के पीछे का उद्देश्य है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और तत्पश्चात विभिन्न मंदिरों का दर्शन पूजन व अयोध्या भ्रमण के लिए जाएंगे। ऐसे में रामनगरी में काफी हद तक जाम से मुक्ति भी मिल जाएगी। यह भी बता दें कि पार्किंग के बगल में ही एक पुराना तालाब है, जिसका पानी रिसाव कर पार्किंग तक ना पहुंचे, इसके लिए पार्किंग के चारों ओर एक रिटेनिंग वॉल भी बनाई गई है ताकि तालाब के पानी से पार्किंग सुरक्षित रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के हाथों अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन 5 अगस्त वर्ष 2020 को हुआ था तथा उसके पश्चात अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों ने तेजी पकड़ ली है। यह भी बता दें कि रामनगरी में विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से 5 और पार्किंग स्थलों का निर्माण होगा। इन पार्किंग स्थलों के स्थान को भी चिन्हित कर लिया गया है। इनमें से 2 बाग बीजेश्वर, 1 श्रीराम चिकित्सालय के सामने, 1 नया घाट के निकट मछुआना
व एक अमीनागंज में बनेगा। इन सभी पार्किंग स्थलों का निर्माण कार्य धर्मार्थ कार्य विभाग के अंतर्गत होगा। सभी योजनाओं का DPR बना करके शासन को भेजा गया है। धर्मार्थ कार्य विभाग ने इन कार्य के लिए बजट में 603 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। इसमें रामनगरी के सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए का खर्च भी प्रस्तावित है। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा रामनगरी को विश्व स्तरीय पर्यटक नगरी के रूप में विकसित किया जाना है। शासन का मानना है कि जब राम मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा तो प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु व पर्यटक दर्शन पूजन को अयोध्या आएंगे। इनकी संख्या प्रतिदिन 1 लाख तक हो सकती है। इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराए जाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक हुए सर्वे में सामने आया है कि बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों से अयोध्या दर्शन करने को आएंगे। इसके लिए रामनगरी में वाहनों को खड़ा करने का समुचित स्थान होना चाहिए। इन्हीं सब को देखते हुए एक मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कर उद्घाटन से पहले ही अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 5 और पार्किंग स्थलों को बनाए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसमें नया घाट व राम मंदिर के आसपास 4 पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जाना है। इन चारों पार्किंग स्थल पर 4,500 चार पहिया वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था होगी तथा यह सभी पार्किंग स्थल पूरी तरह से मल्टी लेवल होंगे। इसके अतिरिक्त एक पार्किंग स्थल नगर के अमीनागंज में बनाया जाएगा। नगर के अंदर से आने वाले पर्यटक व श्रद्धालु अपने वाहनों को यहीं पर खड़ा कर सकेंगे। इससे अयोध्या बाईपास से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नया घाट की मछुआरा में व मोहबरा व अन्य ओर से आने वालों के लिए श्रीराम चिकित्सालय व बाग बिजेश्वर में पार्किंग की सुविधा होगी। सभी 5 पार्किंग स्थल में 5,000 चार पहिया वाहनों को खड़ी करने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही अयोध्या की 3 प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण के लिए मकानों व दुकानों को भी आपसी सहमति से लिया जाना है। इसके लिए 300 करोड़ का आवंटन किया गया है। शीघ्र ही इस प्रोजेक्ट का कार्य भी आरंभ होगा। यही नहीं, अयोध्या में पर्यटकों की सुविधाओं को विकसित करने के लिए नगर के हाईवे पर 3 और बड़े पार्किंग स्थल भी बनाए जाने की योजना है, जो कि प्रयागराज हाईवे, लखनऊ अयोध्या हाईवे व अयोध्या के निकट बनाया जाना है। इसके लिए भूमि आरक्षित की जानी है। यहाँ बाद में पार्किंग स्थलों के साथ ही बस स्टेशन सहित अन्य कार्य किए जाने की योजना है। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई अयोध्या के पहले मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट की विशेष जानकारी पसंद आई हो तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।